हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज एक और दिग्गज शेयर से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल हमें नजर आती है, कह सकते हो ब्रेकआउट भी उसमें होता हुआ नजर आया है। तो उसी शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एज वेल एज फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल क्या है वो जानेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कल की वीडियोज की। तो कल की वीडियोज में यहाँ पर 22 स्टॉक आपको बताए गए थे। इनमें से मोस्टली अगर बात करें तो मोर देन 50% स्टॉक यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए हैं आज की डेट में। तो ऐसे ही आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लो रिस्क हाई रिटर्न, मतलब आप किस तरीके से ऐसे शेयर चुन सकते हैं जो कि आपको कम रिस्क में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ दे सके। बाकी रेपको होम यहाँ पर आज 2% से ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर ये सारे के सारे शेयर जिनसे रिलेटेड वीडियो बनाया था वो भागते हुए दिखाई दिए। तो इन शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। और इसमें क्या है, इसमें केवल आपको सीखना है। सीख के आप कुछ करेंगे ना तो आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर जाइए, एक एक करके वीडियो को देखिए, तो अच्छा खासा गेन आपको फ्यूचर में होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी और ड्यू डिलीजेंस करके ही आपको कुछ यहाँ पर पोजीशन लेनी है। तो आइए यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या है। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइजिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर बात करें आज की डेट की, तो यहाँ पर आज की डेट में इसमें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम इसका देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख के तो देखिए लोग कह देंगे कि इस शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करना, बट ऐसा नहीं होता। हमें सब चीज चेक करना होता है, कब कौन सी कंपनी किस तरीके से उस बदल जाए वो आप और हम नहीं बता सकते। तो अगर हम बात करें और भी कुछ स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए 52 वीक लो की बात करें, 30 रुपए का शेयर था। और 30 रुपए का शेयर 3 अगस्त को, और आज की डेट में बात करें तो इस शेयर ने कितने ज्यादा रिटर्न आपको दिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 11 जून को यहाँ पर 146 रुपए का इसने हिट मारा था 52 वीक हाई, उधर से यहाँ पर करेक्ट हुआ और करेक्ट होने के बाद यहाँ पर शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट की, तो यहाँ पर देखिए 12 मई को रिजल्ट आए थे। इसके अलावा यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया 2019-2020 में, जैसी कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर आना शुरू हुई। तो यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड और भी चीजों की बात करें तो देखिए 44% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों की, 1998 में ये 1:1 का यहाँ पर बोनस दिया था, तो समझ सकते हैं कितनी पुरानी यहाँ पर ये कंपनी है। इसके अलावा हम और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर कुछ शेयर यहाँ पर गिर भी थे जो कि इस कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ा लिए है। और थोड़ी सी यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर बात करें तो 1% के आसपास की, रिवन भी नहीं, 0.5% के आसपास की यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर को यहाँ पर सेल भी किया है। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी करती ही क्या है, तो अगर हम देखते हैं तो ये आईटी का शेयर है। यहाँ देखिए ट्राइजिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एन आईटी कंपनी, प्रोवाइडेड आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विस टू ग्लोबल क्लाइंट, और ट्राइजिन डिलीवर एंड टू एंड क्वालिटी एंड को इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये एक आईटी कंपनी नजर आती है और यह बिजनेस आउटसोर्स करती है। और यहाँ पर अगर बात करें, ये इंडिया की कंपनी नहीं, आई थिंक ये फॉरन की कंपनी है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए ट्राइजिन टेक्नोलॉजी इज ए हुली ओन्ड सब्सिडरीज, मतलब ये सब्सिडरी है स्टेब्लिश इन यूएसए विद लोकेशन इन न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, मतलब यहाँ की कंपनी है नजर आती है, यूएस यहाँ पर इनकी ऑपरेशन है। एंड इट्स सर्विस ऑफरिंग इंक्लूड इंप्लीमेंटेशन फुल्ली ऑपरेशन यूनिफाइड कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सॉल्यूशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट यूटिलिटी सिक्योरिटी सर्विलेंस एंड मोर। तो यहां पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है और इस सब्सिडरी से इसका 97% ऑफ टर्नओवर जो आता है इसी सब्सिडरी से आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें, दिस इज द मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इट हैज अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल मैनेजमेंट सर्विसेज, इट हैज डिलीवर्ड अ लार्ज स्केल एंगेजमेंट ग्लोबली अक्रॉस मोर देन 15 कंट्रीज एंड हैज एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट रिसोर्स एंड मेथडोलॉजीज। अगर बात करें मोर देन 15 कंट्री में एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप विद द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, EMC2, टिपको एंड IBM, इनके साथ इनकी अलायंस भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने पड़ेंगे। इनके क्लाइंट सर्व्ड अगर बात करें ऑर्गेनाइज्ड नॉन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इनके साथ ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल सर्विस, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीजों के साथ ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है जो कि हमने यहाँ पर देखी है। सर्विस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपमेंट मेंटेनेंस मैनेज सर्विसेज SAP सर्विसेज स्टाफ
स्टाफिंग एंड कंसल्टिंग यहाँ पर ये कंपनी इन चीजों में काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज। तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी की मार्केट कैप ना, माइक्रो कैप कंपनी है, 396 करोड़ रुपीज की कंपनी है। और काफी लोग कह देते हैं कि 396 करोड़ की कंपनी है, इसमें क्या इन्वेस्ट करना, तो ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल किस तरीके से है, कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है या नहीं, वो चीज डिपेंड करती है। और आईटी कंपनी हर एक चल रही है, तो जहां पर हर एक कंपनी चल रही है और जो अंडर वैल्यूड कंपनी चल रही है उसमें आपको इन्वेस्ट करनी है। और अंडर वैल्यूड कैसे चल रही है, जैसे कि हमने इसका प्राइस देखा है 141 के आसपास है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसकी बुक वैल्यू 60 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें और भी चीज की, इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 30 है। यहाँ पर कोई भी शेयर, यहाँ पर इनका 6% के शेयर यहाँ पर डेट है, प्लस कोई भी नहीं है। आरओसी 4% है। बट अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड कि यहाँ पर कंपनी ने अच्छा, यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। ओके, बीच में यहाँ पर कंपनी की गिरावट हुई और फिर दोबारा कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्च 2019 में यहाँ पर सबसे ज्यादा आए थे यहाँ पर रेवेन्यू। उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू दोबारा आते हुए दिखाई दिए अच्छे खासे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 21 लाख का प्रॉफिट 4 करोड़ के प्रॉफिट में पिछले 12 क्वार्टर में तब्दील हो गया। ये चीज बताती है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख की सेल्स आज की डेट में 88 लाख की सेल्स में हो गया। बीच में यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, जिस वजह से कंपनी ऊपर भी थी। फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आई और दोबारा कंपनी शायद अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल दिखा रहे हैं। देखिए 76 करोड़ था 2020 में, 88 करोड़ यहाँ पर 2021 में। और अभी यहाँ पर अगर बात करें जो इस तरीके के इसने नंबर दिखाने शुरू कर दिया, इसी तरीके के 3-4 क्वार्टर और नंबर दिखा दिए, तो हाईएस्ट एवर दोबारा से यहाँ पर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, बट अगर बात करें अच्छा खासा प्रॉफिट दोबारा से जनरेट करने दिखा दे दिया है कंपनी ने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का कोई भी अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी अगर हम यहाँ पर किसी भी साल में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न एटलीस्ट नहीं दिखाया है। बेशक से 20,000 की प्रॉफिट दिखाया है, बट कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। रिजर्व्स की बात करें, सॉरी 2 लाख का। इसके अलावा बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स 154 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे है, रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें 10 करोड़ की ही बोरिंग है, ज्यादा बोरिंग भी नहीं है। फिक्स एसेट की बात करें 12 लाख रुपए की यहाँ पर फिक्स एसेट दिखाई दे रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 1.37 लाख रुपीज यहाँ पर करोड़ रुपए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 93 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट 6 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा और चीजों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% की दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम बात करें FIs यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 0.01% ही है, ना के बराबर ही है। DIs यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 55% के शेयर है, बट इसमें से भी अगर यहाँ पर हम घटा देते हैं 3% ये हो गया, 2% ये हो गया, 1% 1% 1%, तो ये लगभग अगर हम बात करें 10-1% के 8-9% हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे खासे पब्लिक के पास भी यहाँ पर है, तो इसे शेयर को अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और टेक्निकल्स के बेस पे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के रिलेटेड, तो जिस तरीके से आईटी स्टॉक भाग ही रहे सारे के सारे, चाहे माइक्रो कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हर एक जिस हिसाब से लेवल है जिसमें ज्यादा रिस्क है वो शेयर वहां ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखे तो कंपनी में अच्छे खासे वॉल्यूम आना शुरू हो गया। जब यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम आ गए हैं, तो ये शेयर भी भागता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये शेयर आपके पैसे को शायद डबल भी कर सकता है। ओके, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आपको खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ लेना है। कुछ शेयर होते हैं कि अच्छे होते हैं, कुछ शेयर यहाँ पर होते हैं कि काफी बेकार होते हैं। बट यहाँ पर जब पोटेंशियल नजर आता है तो अच्छा बेकार नहीं होता, यहाँ पर फिर मैटर करता है कि वो नंबर्स कैसे दिखा रही है और उसका चार्ट पैटर्न, उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं सिंपल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी की, तो देखिए यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कप बना, इसके बाद एक छोटा सा हैंडल बन रहा है। और यहाँ पर अगर इसके बेस पे हम बात करें कि कंपनी कितना यहाँ पर रिटर्न दे सकती है, तो 275 रुपये तक यहाँ पर जाने की पूरी वो क्षमता ये रखती है कंपनी। और अगर हम बात करें रिसेंट लगभग 82-83% है। बट अगर हम बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर एक कुछ हर्डल्स है जहाँ पर ये जा के बीच में रुक सकती है। तो पहला टारगेट तो 168 रुपीज का है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें, दूसरा टारगेट इसका ये है जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। और फिर उसके बाद अगर कंपनी ने और अच्छे खासे नंबर दिखाने शुरू कर दिए इसी तरीके से, तो यहाँ पर ये शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा और एक साल के अंदर अंदर ये टारगेट भी अचीव कर देगा। बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।